नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल वॉइस में और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सियासत के खिलाड़ी। पाकिस्तान में हुए आम चुनाव के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की जीत तय हो गई है, लेकिन सरकार बनाने के लिए उन्हें गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी नेशनल असेंबली की 269 सीटों में से 109 सीटों पर शानदार जीत दर्ज कर चुकी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इमरान खान पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री होंगे, जो राजनीति में आने से पहले खिलाड़ी रहे हैं। पाकिस्तान आम चुनाव के आधिकारिक परिणाम ने क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या पीटीआई की जीत का ऐलान कर दिया है। हालांकि इमरान खान को सरकार बनाने के लिए सहयोगियों की जरूरत होगी और तब जाकर वो गठबंधन की सरकार बना पाएंगे। पाकिस्तान चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतिम परिणाम के मुताबिक इमरान खान के प्रतिद्वंदी और पनामा मामले में जेल में सजा काट रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएनएल ने 63 सीटें जीती हैं। वहीं बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी के खाते में 39 सीटें गई हैं। आम चुनाव के सामने आए नतीजों से साफ है कि पाकिस्तान की जनता ने इस बार किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, जिससे कि पाकिस्तान की सरजमी पर किसी एक पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन सके। पाकिस्तान की किसी एक पार्टी को अपने दम पर सरकार बनाने के लिए सीधे तौर पर निर्वाचित सीटों में से कम 137 सीटों की जरूरत होगी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 342 सदस्य होते हैं, जिनमें से 272 को आम चुनावों में सीधे तौर पर चुना जाता है, जबकि शेष 60 सीटें महिलाओं और 10 सीटें धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं। आम चुनावों में 5% से ज्यादा वोट पाने वाली पार्टियां इन आरक्षित सीटों पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से अपने प्रतिनिधि भेज सकती है। इससे पहले रुझानों में दिख रही जीत के बाद पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गरीबी, आतंक से लेकर कश्मीर मुद्दे तक की बात की। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्रिया करना चाहता हूं कि 22 सालों की कड़ी मेहनत के बाद मेरी दुआओं का जवाब मिला है। अब मुझे मेरे सपनों को साकार करने और देश की सेवा करने का मौका मिला है। इमरान ने कहा है कि हम पाकिस्तान में लोकतंत्र को मजबूत होते हुए देख रहे हैं। कई आतंकी हमलों के बावजूद चुनावों का सफल आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं सुरक्षा बलों को बधाई देना चाहता हूं। पूर्व क्रिकेटर इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान के हिंदुस्तान से ताल्लुक अच्छे होते हैं तो हम एक दूसरे से बात करेंगे। पाकिस्तान और भारत को एक टेबल पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए। इमरान ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए तैयार है। अगर भारत सरकार एक कदम आगे बढ़ाती है तो हम दो कदम आगे बढ़ाएंगे। बातचीत से ही ये समस्या हल करेंगे। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की मीडिया ने मुझे बॉलीवुड फिल्म का विलन बना दिया। पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने कहा है, मैं देश के लिए राजनीति में आया हूँ, अब जाकर मुझे पाकिस्तान की सेवा करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से किया वादा मैं निभाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी नीतियां कमजोर तबके के लिए होंगी। उन्होंने कहा है कि गरीबी एक बड़ा चैलेंज है, हमें इसके खिलाफ लड़ना है। चीन हमारे लिए एक बड़ा उदाहरण है। पिछले 30 सालों में चीन में 70 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। हम देश के किसान गरीब तबकों के लिए काम करेंगे। हम कमजोर तबके के लिए नीतियां बनाएंगे। मैं पाकिस्तान में इंसानियत का राज कायम करना चाहता हूं। स्पेशल डेस्क, नेशनल वॉइस। पाकिस्तान में चुनाव को लेकर इमरान खान इन दिनों खासी चर्चा में हैं। आम चुनाव में इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है।
एक राजनेता के तौर पर भी इमरान खान अपनी पहचान से दुनिया को रूबरू करा रहे हैं। लेकिन राजनेता बनने से पहले इमरान खान एक क्रिकेटर भी थे। क्रिकेटर के तौर पर भी इमरान ने दुनिया भर में अपने नाम का डंका बजाया था, लेकिन क्रिकेटर से राजनेता बनने तक का इमरान खान का सफर आसान नहीं था। इमरान खान की सबसे बड़ी पूंजी उनकी हार न मानने वाली आदत है। आज इसी आदत ने उन्हें पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा नेता बना दिया है। 65 साल के इमरान खान का जन्म 25 नवंबर 1952 को लाहौर के एक पश्तून परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लाहौर के एचएसएन कॉलेज से की और उसके बाद उन्होंने साल 1975 में फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। कहा जाता है कि वैसे तो इमरान ने 13 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत उन्होंने अपने कॉलेज से की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो पहले अपने कॉलेज के लिए खेलते थे, फिर बाद में वो सिस्टर शायर क्रिकेट क्लब के लिए खेलने लगे। 18 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार पाकिस्तान टीम की ओर से 1971 में बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज खेली थी। उस मैच में उन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए थे। इसके बाद उन्होंने अपना पहला वनडे मैच अगस्त 1974 में नॉटिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला था। इस मैच में उनका कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। उनका क्रिकेट करियर लगातार 1992 तक जारी रहा। 1982 से 10 साल तक वो लगातार पाकिस्तान टीम के कप्तान भी रहे। उनके नेतृत्व में ही पाकिस्तान की टीम ने 1992 में क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने अपनी मां की याद में 1994 में लाहौर में एक कैंसर अस्पताल बनवाया। उसके बाद 2015 में दूसरा अस्पताल पेशावर में बनवाया। इसी बीच खान ने क्रिकेट कमेंट्री का काम भी जारी रखा। इमरान खान साल 2005 से 2014 तक ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे। 2012 में उन्हें रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की ऑनररी फेलोशिप भी मिली। क्रिकेट से संन्यास लेने के कुछ ही सालों बाद इमरान खान ने राजनीति में अपना कदम रखा। 1966 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ नाम की एक राजनीतिक पार्टी बनाई और उसके अध्यक्ष बने। इसके बाद वो पाकिस्तान में कई बड़े मुद्दे उठाकर वहां बड़े राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। 2002 में उन्होंने पहली बार नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ा और 2007 तक मियांवाली से विपक्ष के नेता बनकर रहे। 2013 में वो फिर संसद पहुंचे, तभी उनकी पार्टी पाकिस्तान में दूसरी बड़ी पार्टी बनी। इमरान ने तीसरी बार ये आम चुनाव लड़ा है। इस बार के आम चुनाव में इमरान न्यू पाकिस्तान बनाने के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे। इमरान ने पाकिस्तान की जनता को भ्रष्टाचार से निजात दिलाने का भरोसा दिलाया है। में बनाई थी राजनीतिक पार्टी, 2002 में लड़ा नेशनल असेंबली चुनाव, पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी। इमरान खान की निजी जिंदगी भी उतार चढ़ाव वाली ही रही है। अब तक इमरान खान 3 शादियां कर चुके हैं। पहली शादी उन्होंने साल 1995 में जेमिमा खान से की थी, लेकिन शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली। 9 साल बाद 2004 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद इमरान ने 2015 में टीवी एंकर रहम खान से दूसरी शादी की। ये शादी महज 10 महीने चली और दोनों अलग हो गए। तीसरी शादी उन्होंने इस साल बुशरा से की है। बुशरा पाकिस्तान के मशहूर वट्टू खानदान से आती हैं
और वो पाकपट्टन नाम की एक जगह पर आध्यात्मिक गुरु भी हैं। बताया जाता है कि उस इलाके में बुशरा पिंकी बीबी के नाम से पॉपुलर है। स्पेशल डेस्क, नेशनल वॉइस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष और अब पाकिस्तान के होने वाले संभावित प्रधानमंत्री इमरान का करियर क्रिकेटर से राजनीतिक हुआ। राजनेता बनने से पहले इमरान एक सफल क्रिकेटर हुआ करते थे और क्रिकेटर के रूप में भी उन्होंने अपने देश के लिए नए नए कीर्तिमान बनाए। लेकिन इमरान ही केवल ऐसे अकेले शख्स नहीं जो एक खिलाड़ी से राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, बल्कि दुनिया भर में कई ऐसे सफल राजनेता हुए जिन्होंने अपने देश के लिए भी खेला। इमरान ने साल 1996 में पाकिस्तान की राजनीति में कदम रखा। इससे पहले वो एक बेहद ही सफल क्रिकेटिंग की पारी खेल चुके थे और अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को 1992 का वनडे विश्व कप खिताब भी दिलाया था। अगर वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये पहली बार नहीं होगा जब कोई खिलाड़ी अपने देश का मुखिया बने। इमरान से पहले भी ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे जिन्होंने खेल में सफलता हासिल करने के बाद राजनीति में भी नए प्रतिमान स्थापित किए। ईद अमीन युगांडा का वो नाम है जो तानाशाह के रूप में जाना जाता है। युगांडा का सैन्य तानाशाह ईदी अमीन दादा एक प्रोफेशनल बॉक्सर था। साल 1991 से 1960 के बीच वो युगांडा का लाइट हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन था। इसके अलावा ईदी अमीन एक स्विमर भी था। वो 1971 से 1979 तक युगांडा का राष्ट्रपति रहा। अमीन 1946 में ब्रिटिश औपनिवेशिक रेजिमेंट किंग्स अफ्रीका राइफल्स में शामिल हो गया और युगांडा की सेना में मेजर जनरल और कमांडर का ओहदा हासिल किया। उसने 25 जनवरी 1971 को सैन्य तख्तापलट द्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति मिल्टन ओबेटे को पद से हटा दिया। बाद में युगांडा के प्रमुख पद पर आसीन रहते हुए उसने खुद को फील्ड मार्शल के रूप में पदोन्नत कर लिया। ईदी अमीन के शासन को मानवाधिकारों के दुरुपयोग, राजनीतिक दमन, जातीय उत्पीड़न, गैर कानूनी हत्याओं, पक्षपात, भ्रष्टाचार और सकल आर्थिक कुप्रबंधन के लिए जाना जाता है। युगांडा का सबसे क्रूर तानाशाह ईदी अमीन राष्ट्रपति बनने से पहले था सेना का कमांडर। युगांडा का था लाइव हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन। ईदी अमीन के शासन में मारे गए लाखों लोग। एक अनुमान के मुताबिक ईदी अमीन दादा के शासन में युगांडा में 1,00,000 से 5,00,000 लोग मार डाले गए। युगांडा के भीतर असंतोष और 1978 में तंजानिया के कंगेरा प्रांत को जीतने का प्रयास के तहत युगांडा तंजानिया युद्ध उसके शासन के पतन का कारण बना। 16 अगस्त 2003 को ईदी अमीन की मौत हो गई, लेकिन मौत से पहले ईदी अमीन दादा के फैसलों और फरमानों ने न केवल युगांडा बल्कि दुनिया भर के लोगों के दिलों में दहशत भर दी। ईदी अमीन ने 1972 में आदेश जारी किया कि जिन एशियाई लोगों के पास युगांडा की नागरिकता नहीं है वो देश छोड़कर चले जाएं, नहीं तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। इसके बाद करीब 60,000 भारतीयों और पाकिस्तानियों को देश छोड़कर मजबूर होना पड़ा। देश के कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा एशियाई लोगों का था। इनके देश छोड़ते ही युगांडा की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई। देश छोड़ने का फरमान किया था जारी। इसे मैड मैन ऑफ अफ्रीका भी कहते थे। आदमखोर हैवान था ये तानाशाह। तंजानिया ने किया था अमीन का तख्तापलट। कहते हैं कि हर बुराई का अंत होता है। 1979 में जब तंजानिया और अमीन विरोधी युगांडा सेना ने धावा बोला तब अमीन की 8 साल की तानाशाही खत्म हुई। हालांकि इससे पहले अक्टूबर 1978 में अमीन ने तंजानिया पर असफल हमले की कोशिश की। अमीन ने देश छोड़ने के बाद कुछ समय लीबिया में शरण ली, फिर वो सऊदी अरब में बस गया जहां 16 अगस्त 2003 में उसकी मौत हो गई। इस तानाशाह को मैड मैन ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता था। अमीन आमतौर पर लोगों की हत्या के लिए हथियारों का इस्तेमाल नहीं करता था। उसके सजा देने के तरीके भी बेहद क्रूर थे। उसने कुछ लोगों को जिंदा जमीन में दफना दिया तो कुछ बचे लोगों को अपने भूखे मगरमच्छों के सामने फेंकवा दिया था।
ईदी अमीन ने अपने पैलेस की लगभग हर खूबसूरत लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। कहा जाता है कि अमीन इंसानों का मांस खाने का शौकीन था और इसके सबूत भी मिले थे। उसके फ्रिज से बहुत सारे इंसानों के सिर बरामद हुए थे। स्पेशल डेस्क, नेशनल वॉइस। पाकिस्तान के इमरान खान और युगांडा के क्रूर तानाशाह ईदी अमीन ही नहीं बल्कि भारत सहित कई देशों में ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने खेल के मैदान के बाद राजनीति के मैदान में भी न केवल नई ऊंचाइयों को छुआ बल्कि देश की पहचान भी बने। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के उन नामचीन खिलाड़ियों के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने राजनीति के मैदान में भी बाजी मार ली। राज्यवर्धन सिंह राठौर। कर्नल राठौर ने 1990 के दशक के मध्य में शूटिंग रेंज में कदम रखा था। इसके बाद वो ओलंपिक खेलों में भारत के पहले व्यक्तिगत रजत पदकधारी बने थे। 2004 एथेंस ओलंपिक में पुरुषों की डबल ट्रैप स्पर्धा में वो दूसरे स्थान पर रहे थे। ओलंपिक में इतिहास रचने से एक साल पहले उन्होंने सिडनी में 2003 विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। इसके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राजनीति में कदम रखा और अब वो बीजेपी सरकार में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। नवजोत सिंह सिद्धू। भारत के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू का जन्म भारत के पंजाब प्रांत के पटियाला जिले में 20 अक्टूबर 1963 में हुआ। संयोग से इनकी पत्नी का नाम भी नवजोत कौर सिद्धू है। नवजोत अपनी क्रिकेट लाइफ में 1983 से लेकर 1999 तक में एक बेहद मंझे हुए खिलाड़ी रहे। नवजोत के पिता सरदार भगवंत सिंह सिद्धू भी क्रिकेट खेला करते थे और पिता के चाहने पर ही नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपने क्रिकेट खेलने की शुरुआत की। तभी इनका पहला टेस्ट मैच 1983 में वेस्ट इंडीज की टीम के विरुद्ध अहमदाबाद में हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू विश्व कप की भारतीय टीम में शामिल किए गए जहां उन्होंने 5 मैचों में से 4 मैच खेले और हर मैच में अपना काफी अच्छा प्रदर्शन दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने जब क्रिकेट की शुरुआत की थी उस वक्त कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उनके खेल के प्रति कई तरह की आलोचना की बातें की, लेकिन नवजोत ने उनकी बातों का ऐसा जवाब दिया जिसके बाद सब उन्हें सिक्सर सिद्धू के नाम से कहने लगे क्योंकि वो पूर्व क्रिकेट मैचों में से 5 शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए और इन्होंने अपनी भारत टीम के लिए कम से कम 51 टेस्ट और 136 वनडे मैच खेले थे। भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी ने खेल से संन्यास लेने के बाद में राजनीति में अपना हाथ जमाने की कोशिश की जिसमें वो काफी सक्रिय रहे और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अमृतसर से लोकसभा निर्वाचन 2004 के लोकसभा चुनाव भी जीता और वो सांसद भी बने जिसके बाद से उनका राजनीतिक करियर जारी है। जॉर्ज विया। जॉर्ज वी ने अपने देश के लिए फुटबॉल खेला। वी ने लाइबेरिया के लिए कुल 22 इंटरनेशनल गोल दागे हैं। साथ ही वो मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी, पेरिस, सेंट जर्मन जैसे बड़े फुटबॉल क्लबों के लिए भी खेले हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 411 मैचों में 193 गोल दागे हैं। वे अफ्रीका के एकमात्र ऐसे फुटबॉलर हैं जो फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर और प्रतिष्ठित बैलन डियार पुरस्कार के विजेता हैं। साल 2002 में फुटबॉल से संन्यास लेने के बाद विया ने राजनीति में कदम रखा। फिलहाल वो लाइबेरियाई संसद में सीनेटर हैं। सरलीफ ने बर्बर गृह युद्ध के खत्म होने के बाद 2005 के राष्ट्रपति चुनाव में विया को मात दी थी, फिर एक साल बाद पद ग्रहण किया था। विक्टर अर्बन। हंगरी के मौजूदा प्रधानमंत्री विक्टर अर्बन एक प्रोफेशनल फुटबॉलर थे। वो हंगरी के लोकल क्लब फैक्सलट के लिए फुटबॉल खेलते थे। अर्बन 2010 से कार्यालय में हैं। उन्होंने 1998 से 2002 तक भी प्रधानमंत्री के रूप में हंगरी की सेवा की है। मोनाको के प्रिंस अल्बर्ट। मोनाको के प्रिंस अल्बर्ट ने क्रॉस कंट्री रेस, जेवलिन थ्रो, हैंडबॉल, जूडो, स्विमिंग, टेनिस, रोइंग, सेलिंग, स्किंग जैसे खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था। उन्होंने साल 1998 से 2002 के बीच 5 बार विंटर ओलंपिक में अपने देश मोनाको का प्रतिनिधित्व किया था। सर एलेक डगलस।
ब्रिटेन के पूर्व पीएम सर एलेक डगलस एक क्रिकेटर थे। वो प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने वाले इकलौते ब्रिटिश पीएम थे। सर एलेक डगलस का प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बल्लेबाजी औसत 16.33 का था। वो मध्यम गति के तेज गेंदबाज भी थे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन नेशनल वॉइस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।